समरम साहब, मुझे सिफिलिस की बीमारी आई, पूरी मात्रा दवा ली, लेकिन अब भी VDRL और TPHA टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं। क्या सिफिलिस की बीमारी आएगी तो पूरी तरह ठीक नहीं होगी? सिफिलिस की बीमारी एक प्रकार के यौन रोग है। जो कोई वो यौन रोग होती है, सिफिलिस की बीमारी होते हैं, उनसे मैथुन में भाग लेने से सिफिलिस की बीमारी आएगी। सिफिलिस की बीमारी की वजह से जननेंद्रिय में एक प्रकार के फोड़े निकलते हैं, एक ही फोड़ा निकलता है। पेंसिलिन इंजेक्शन या और कोई एंटीबायोटिक लेने से वो बीमारी एक 10 दिन में 20 दिन में ठीक हो जाएगी, बीमार नहीं रहेगी। वो अल्सर जननेंद्र पर जेनिटल में आता है, वो भी क्यूर हो जाएगी। लेकिन सिफिलिस की बीमारी को समझने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए VDRL टेस्ट करेंगे या TPHA टेस्ट करते हैं। VDRL टेस्ट में डायल्यूशन देते हैं 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, लाइक इस प्रकार वे डायल्यूशन होते हैं। एक बात समझना, सिफिलिस की बीमारी आने पर फुल कोर्स पेंसिल इंजेक्शन या डॉक्सिकल टैबलेट्स और कोई एंटीबायोटिक लेने से पूरा स्वच्छ बन जाएंगे, उसमें कोई डर नहीं। लेकिन ये बात समझना, एक बार सिफिलिस की बीमारी में VDRL पॉजिटिव आ जाएगा तो वो डायल्यूशंस सालों तक ऐसे ही रह जाएगा। कुछ लोग समझते हैं करने के बाद भी VDRL का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आने जाने पर समझते हैं मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, क्यों नहीं हुआ, इसलिए वह टेस्ट में VDRL टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, मुझे बीमारी क्यों नहीं हुआ, मुझे पेंसिलिन इंजेक्शन का काम नहीं बना, एंटीबायोटिक काम नहीं बना, क्या मेरी हालत क्या है, ऐसे समझते हैं। लेकिन ये समझना कि बीमारी तो क्यूर हो जाएगी, दे स्वास्थ्य बन जाएंगे, लेकिन एक बार खून में ये डायल्यूशन आ जाएगा, VDRL टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो कुछ लोगों को तो 10 साल 20 साल ऐसे रह जाएगा, कुछ लोग लाइफ लॉन्ग VDRL पॉजिटिव रह जाएगा, TPHA पॉजिटिव रह जाएगा। उसका अर्थ क्या है, उस बीमारी के लिए जो एंटीबॉडीज शरीर में आते हैं वो तो ऐसा रह जाते हैं, एंटीबॉडीज बीमारी के एग्निस्ट वह एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं, वो ऐसा रह जाते हैं। इसलिए बीमारी तो अंदर नहीं रहेगी, लेकिन टेस्ट में ऐसा आएगा, टेस्ट में आने पर भी उनके बारे जब पहले बीमारी आई, VDRL टेस्ट किया, VDRL टेस्ट 1:16 आया या 1:32 आया, ऐसा समझो, करने से वो डायल्यूशंस के पहले 1:32 डायल्यूशंस होते VDRL टेस्ट में, जब से 6 महीने हो जाएगा तो 1:32 नहीं रहेगा डायल्यूशंस, 1:8 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। उसका अर्थ क्या है, जब डाइल्यूशन कम हो जाते हैं उसका अर्थ बीमार नहीं है, धीरे 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 एंटीबायोटिक्स कम हो जाते हैं। उस प्रकार हमको समझना है, बीमारी बाहर से शरीर में नहीं है, ठीक हो गया, जो क्योंकि जो VDRL पॉजिटिव आया, डाइल्यूशन धीरे धीरे कम हो गई है, उसका अर्थ है बीमारी नहीं है। इसलिए VDRL टेस्ट पॉजिटिव आने पर भी पूरा कोर्स पेंसिल इंजेक्शन या एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेने पर भी, ऐसे रहने पर भी वो ऐसा ही रहेगा, वो बीमारी तो ठीक हो गया, उसके बारे में डरने के बाद कुछ भी नहीं। कई लोग समझते हैं कितने दवा लो, कितने गोली खाओ, कितने इंजेक्शन लो, मुझे तो बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे समझते हैं, ऐसा नहीं। वो टेस्ट में तो VDRL पॉजिटिव रहेगा, TPHA पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बीमारी फुल क्यूर हो जाएगा, क्यों बीमारी स्वास्थ्य बनने के बाद भी टेस्ट तो पॉजिटिव आते ही रहता है, उसके बारे में डरने के बाद कुछ भी नहीं। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। ऐप
available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel and activate the bell icon.